हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम एक लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फ्रेंड, जो कि एचपी ब्रांड के साथ आता है फ्रेंड। और साथ में इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूं फ्रेंड। अगर आप भी एक बजट रेंज पे एक बेसिक लैपटॉप लेना चाहते हैं या एक हाई एंड लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको चूज करनी पड़ती हैं फ्रेंड। कुछ कन्फिगेशन ऐसी होती है जो आपको देखनी पड़ती है शुरुआत पर फ्रेंड, और जिससे कि आपका जो काम है काफ़ी अच्छे से प्रोसेस हो पाए आपके लैपटॉप पर। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो, और आपको मैं वीडियो में अनबॉक्सिंग में ज़रूर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको एक लैपटॉप परचेज करना है। और जो लैपटॉप मैं बताऊंगा आपको, उसमें प्रोसेसर हो गया, जैसे उसकी स्टोरेज है, रैम और डिस्प्ले है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए एक लैपटॉप में, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं फ्रेंड आज की वीडियो में। और काफ़ी अच्छी होने वाली है वीडियो फ्रेंड, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड, जो लैपटॉप की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ये एचपी ब्रांड के साथ है फ्रेंड। और इसको आज कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक एक बताऊंगा कि आपको लैपटॉप लेने से पहले क्या क्या चीज़ उस पर देखना चाहिए फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड जो चीज़ होती है वो होता है उसका प्रोसेसर फ्रेंड। उसके बाद दूसरा होता है फ्रेंड उसका स्टोरेज, जो उसकी मेमोरी है फ्रेंड। वो मेमोरी भी दो टाइप की होती है फ्रेंड, एक तो होती है रोम जिसपे आपका डेटा स्टोरेज रहता है, और साथ में एक वर्चुअल मेमोरी होती है जो कि रैम होती है। आपको एटलीस्ट रैम कम से कम 8 GB लेना है आपको, और साथ में आपको प्रोसेसर आपको i5 से नीचे बिल्कुल भी नहीं लेना है फ्रेंड। और साथ में आपको जो इसका स्टोरेज है SSD टेक्नोलॉजी के साथ जो स्टोरेज होता है वो लेना है, और जो रैम स्टिक है कम से कम 8 GB लेना है फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं एक HP का लैपटॉप है फ्रेंड, इसकी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा फ्रेंड। i5 इसका प्रोसेसर है, और साथ में आपको 15.6 इंच की स्क्रीन है। आपको स्क्रीन का भी काफ़ी ख्याल रखना है फ्रेंड, जब भी आप लैपटॉप लें तो सबसे पहले देखें आपका कम्फर्ट, आप 14 इंच के साथ कम्फर्ट है या 15 इंच के साथ। तो काफ़ी बेहतरीन लैपटॉप के साथ है HP ब्रांड। और सबसे बेस्ट चीज़ HP में आपको बता दूँ क्या रहती है, वो होती है इसका बैटरी बैकअप फ्रेंड। जितना भी आप इसको रगड़ो फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सिस्टम में बेहतरीन चलता है। आप आँख बंद करके HP ले सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं MS ऑफिस आपको फ्री मिल जाता है, साथ में विंडोज के साथ आता है लैपटॉप, तो काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। ये विंडोज 11 है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान ऑन रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आए, आपको बार बार दिक्कत ना आए विंडोज़ के डॉस के साथ प्रॉब्लम करने में। तो फ्रेंड, आपको जो भी लैपटॉप लेना है वो विंडोज़ के साथ लेना है।